श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी कानपुर। सुनो बे जैनियों, जैनी का घर तो वो था कि होटल वाले क्या बनाएंगे आइटम, ठेले वाले क्या आइटम बनाएंगे जो हमारे जैनों के घरों में बनता है। जितने पकवान जैनी की महिला जानती है बना करके, मैं तो नहीं समझता कि दुनिया में कोई जानता होगा। एक सिंगाड़े की गोटी से, सिंगाड़ा जानते ना, पानी पानी क्या बोलते तुम, वो काले काले आते हैं सिंगाड़ा, क्या क्या नहीं बनाती हमारी ये महिलाएं। एक सिंगाड़े की गोटी जो सुखा करके आती, सूख करके घरों में, अभी मध्य प्रदेश में तो मैं जानता हूं कि एक एक घर में एक एक दो दो पीपे वो सिंगाड़े की सूखी गोटियां रखी होंगी, उनके चार टुकड़े करके रख लेती महिलाएं। और जब जरूरत पड़ी आटा पीसा और उसकी पकौड़ी बना लेंगी, केले बड़े बना लेंगी, सिंगाड़े का सेव बना लेंगी, उसके हलवा बना लेंगी, लपसी बना लेंगी, सिंगार पाक बना लेंगी, पता नहीं क्या क्या बना लेती हैं एक चीज से, उसकी टिकियां बना लेंगी, कितने आइटम, खाने वाला थक जाए, मगर हमारी माताएं बनाने में एक से इतना बना सकती हैं। फिर हमें बाजार की जरूरत क्या है, कौन बना रहा है, गर्मी में पसीने से लथपथ रहते हैं, पसीना चू रहा है, अब यूं झटकारते हैं उसी भगोनी में जिसमें बेसन रखा है, मैदा रखी है, सब उसमें जाता है और वो हम खाते चले जावे। इतने रसना इंद्री के गुलाम। एक दिल्ली की घटना मुझे स्मरण में आ गई। एक भाई जबलपुर का दिल्ली गया और एक जगह की जलेबी बहुत फेमस है, बड़ी बड़ी जलेबी और बड़ी टेस्टी। उसने बताया कि महाराज बहुत टेस्टी जलेबी, मैं जब भी दिल्ली जाता हूं, मैं नहीं वो व्यक्ति, मैं जब भी दिल्ली जाता हूं वहां की जलेबी जरूर खाता हूं। मैंने अच्छा खाता होगा, तो बोले कि महाराज जी एक बार क्या हुआ कि उसकी जलेबी जो थी वो मुलायम मुलायम सी कुछ बनी। तो मैंने कहा क्या बात है यार। अरे बोले कल यार रात को बिल्ली रह गई अंदर और बिल्ली ने वो मटका फोड़ दिया जिसमें मेरी मैदा घुली रहती थी, तो नया मटका लाया गया है और नई मैदा घोली है, इसलिए उसमें खमीर नहीं उठा है, खमीर नहीं उठा। यानी बहुत सारे जीवों का कलेवर जब उसमें इकट्ठा हो जाता है उसे खमीर कहा जाता है। तो उसमें रोज के रोज मैदा डाल दी जाती थी रात्रि में और घोल करके उसे रख दिया जाता था रात भर में। उसमें पहले ही से जीव थे उसमें, तो क्योंकि वो रोज साफ नहीं करते हैं। आप देखना जिसमें जलेबी बनने के मटके में जो वो रखी रहती मैदा घुली, कभी अंदर झांक के देख लेना जलेबी बनाने वाले को, उसमें बरसों की लगार, जैसे जैन दर्शन में लगार कहा था, लिंक जिसे अपन कहते हैं, वो लिंक बनी रहती है। उसमें रोज नई नई मैदा डालती जाते हैं और वो मैदा उसमें घोल करके उसकी जलेबी लत्ती में भर करके और जलेबी बना दी जाती। एक दिन वो मटका फोड़ दिए, फूट गया बिल्ली के द्वारा। सुबह सुबह नया मटका लेकर के आया, पानी डाल करके और वो मैदा को घोल करके जलेबी बनाई, तो जलेबी में कुछ मुलायमता थी। तो बोलो मैंने कहा कि भाई क्या बात है आज। हाँ बोले नया मटका है आज इसलिए थोड़ा। उसने इशारा कर दिया तो उनके पास सूखी इल्लियों का पाउडर था, उसने मुट्ठी में लिया थोड़ा सा और उस मटके में डाला और घुमा दिया। फिर उसके बाद जो घान निकाला वो कड़क जलेबी निकली। मैंने उससे पूछा, मैंने नहीं उसने, कि भाई तुमने क्या मिला दिया, आपका घान तो बहुत कड़क जलेबी की निकला। बोले कुछ नहीं, देखो भाई ये व्यापारी बातें, इनको पूछने की आप कोशिश मत करें। मेरा बिजनेस, तो बोले भाई साहब मैं जबलपुर रहता हूँ, आप दिल्ली रहते हैं, आपके और मेरे बिजनेस में जमीन आसमान का अंतर है, इतनी दूरी का अंतर है, फिर भी आप बताओ। उसने कहा आप देखो मत करो। बोले नहीं प्लीज बताओ। उसने कहा इल्ली का पाउडर मिलाया,
सोचें जरा, विचार करें। कप की मैदा, अभी अष्टानिका तक 3 दिन की मर्यादा है मैदा की, आटे की, मसाले की, और कब से मैदा फैक्ट्री में कानपुर में कब बनी हुएगी मैदा, कानपुर की मैदा, हरियाणा की मैदा, अब ये मैदा कब स्टॉक में, हजारों बोरियां उनके पास स्टॉक में रहती हैं, 15 दिन पहले का स्टॉक वहां से चला होगा, फिर व्यापारियों के पास आया, फिर व्यापारियों से ठेले वालों ने लिया, होटल वालों ने लिया, 1 महीने की टर्नओवर हो गई, टर्निंग चल गई, अब उसमें कितनी इल्लियां और कितने कीटाणु पैदा हो गए उस बाजार की मैदा में। एक चलनी खरीदना मैदा छानने वाली, और एक 50 ग्राम मैदा ले लेना मेरे भाई, 2 रुपए की आ जाएगी, अब 40 रुपए किलो, और 30-35 होगी जो भी, 50 रुपए किलो। हाँ, इससे पूछो ना, 40 मैंने पहले ही कह दिया, 50 ग्राम 2 रुपट्टी की आएगी, और चलनी में छानना, फिर देखना उसमें कितनी इल्लियां आपकी चलनी में बह जाएंगी। और एक ब्राउन कलर का कीड़ा भी मैदा में हो जाता है, जिसे तिरुला भी कहते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर, छतरपुर के अंदर तिरुला कहते हैं, तिरुला, ऐसे कत्थे से कलर का होता है, जैसे ये झालर लगी हुई है, ऐसे कलर का, थोड़ा और डार्क भी हो सकता है, वो उत्पन्न हो जाते हैं उस मैदा में, और वो सब इकट्ठी डालकर और फेंट करके आपको जलेबियां बना देते हैं। क्या घर में बनाना जलेबी नहीं आता? मैं किसी चीज का निषेध नहीं कर रहा हूं, खूब खाओ, जी भर के खाओ, मगर घर में मैदा बनाओ और घर में जलेबी बनाओ, जो बनाना तुम वो बनाओ, मगर शुद्ध खाओ, अशुद्ध मत खाओ। मगर हम इतने चटोनिया हो गए हैं, रसना इंद्री के इतने गुलाम हो गए हैं, कि बस हम तो बाजार से मंगवाते हैं और खा जाते हैं, रिश्तेदारों को भी बाजार का बना के मंगा के खिला देते हैं। कैसे घर थे प्यारे हमारे वो, कि मेहमान जब आते थे तो हमारे घर में खुद नाश्ता बनता था, जैनी के घरों में नाश्ता बनता था, बाजार से तो कभी बनी बनाई चीज आती ही नहीं थी जैन के घर में, सब कुछ घर में बनता था, कोई भी त्योहार आ जाए, सारे त्योहारों में घर में ही सामान बनता था, और क्या बनता था। और आज रुपए के 4 रुपए भी देकर के आते हैं और हम बाजार का लेकर के आते हैं, पानी पता से 10 रुपए के 4 कितने मिलते हैं, 5 के 4 कोई नहीं बोल रहा, 5 सूरत में, सूरत में 5 मिलते हैं, तो आगरा में भी 5 ही मिलते होंगे, 20 रुपए के 4 या ला, 5 रुपए का 1 पानी पतासा। अब देखो मैं बताता हूं कितने रुपए का 1 पानी पतासा पड़ता है, 1 पाव मैदा 6 रुपए, 10 रुपए की 1 पाव मैदा, और 1 पाव मैदा के कितने पानी पतासे बनेंगे, 50, तो 50 को बनाने में कितना तेल लगेगा, 100 ग्राम, 15 रुपए का तेल, अच्छा सनफ्लावर अच्छी क्वालिटी का, 15 का तेल, 10 रुपए की मैदा, 25, और उसके बाद पानी आनी बनाने का मसाला 10 रुपया का, 35 रुपए में आपको 50 यानी 70 पैसे का 1 पानी पतासा, और गैस एस का खर्च आदि सब मिला लो 40 रुपए में 50, तो 80 पैसे का 1 और 5 रुपए के 1 बोलो आम के, आम और गुठलियों के दाम कितने खाओगे तुम, 100 रुपए के, 5 रुपए का 1 है, 20 खाओगे, 100 रुपए देकर के आ जाओगे, अरे पागल, 100 रुपए में 200 बनेंगे, 100 बनेंगे तेरे घर में,
और सवा सौ बनेंगे वो पूरा घर खाएगा और शुद्ध खाएगा, शुद्ध खाएगा। और नहीं अशुद्ध खाओगे तो ऐसे ही चिल्लाओगे, ऐसे ही चिल्लाओगे, और जब नरकों में भी ऐसे ही चिल्लाओगे, सब जगह यही दुर्दशा होगी। वो प्रैक्टिकल दे रहा है कि मैं ऐसे ही गटर पटर खा करके ऐसे ही फूल रहा हूं, फैल रहा हूं, तो मत फूलो, तुम मत छिड़ो, नहीं तो तुम्हें भी ऐसे ही चिल्लाना पड़ेगा। विचार करें, यह तो मैंने एक पानी पतासे का उदाहरण दिया, एक रुपए से ज्यादा तो पढ़ ही नहीं सकता किसी भी हालत में, 100 रुपए की 100 और तुम 100-500 रुपए के खरीदोगे, और कप का पानी, कप का मसाला, कप की मिर्ची, कप की खटाई, क्या क्या मिलाते, कप का रखा है, अनछना पानी, और अब तो कच्चे भी मिलते हैं बाजारों के कच्चे पानी पतासे, और घर में जाकर के उन्हें तल लेते हैं, कितने जीव पड़ गए उसमें, शीतांश है उसमें, आटे में, मैदा में, और वो शीतांश इतना है कि उसमें असंख्यात जीव पड़ गए, वो पैकेट में बंद हैं। कितने जीव खा रहे हो इस वसना इंद्री को खुश करने के लिए, ये 4 अंगुल की जिह्वा की गुलामियत तुम्हारे जीवन में इतनी बढ़ गई कि तुम बाजार के सूखी चीजें लाने लगे। मैगी आ गई जो सुअर की चर्बी से तली हुई है, और सुअर क्या खाता है, सुअर क्या खाता है, पोटी, और नालियों का पानी पीता है, और उसके शरीर में बनी हुई चर्बी, उससे तुम्हारी मेघियां तली जा रही हैं, कुरकुरे तले जा रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है बंधुओं, इतने गुलाम तुम रसना इंद्री के। एक और वो सोसोस पोपोस क्या चलता है, वो मोमोस, मोमोस क्या खा रहे हो, ऐसा लगता है जैसे खून डाल दिया हो उसमें, अब खाना, अब खाना, खून डाल दिया जैसे उसके ऊपर, और खाते चले जा रहे हो, और कह रहे हम जैन हैं, तुम कैसे जैन हो, तुम्हारी रसना इंद्री की इतनी गुलामियत, तुम क्या चारित्र का विनय करोगे, तुम क्या चारित्र का पालन करोगे। विचार करें, स्पर्शन, वसना, घ्राण, घ्राण इंद्री के वशभूत होकर के हम अपना जीवन कैसा व्यतीत कर रहे हैं। सेंट, आज परमानेंट चाहिए कुछ लोगों को सेंट, प्रतिदिन सेंट के बिना उनका जीवन अधूरा। और मैंने पता किया सेंट के बारे में कि सेंट कैसे बनता है, एक बिज्जू नाम का एक जानवर होता है, अब उसे बैतों से मारा जाता है, एक लकड़ी के कटघरे में बंद कर दिया जाता है, जिसको देखना हो प्रमाणिकता मेरे पास है, उसकी पुस्तक है बेकसूर खून में सने हमारे बरबर शौक, इंदौर के डॉक्टर नेमी चंद जैन, पत्रकार कॉलोनी 65, उन्होंने बहुत पहले 30-35 साल पहले एक पुस्तक निकाली थी। तो उस बिज्जू को बैतों से मारा जाता है, एक लकड़ी के कटघरे में बंद कर दिया जाता है, और बैतों से इतना मारा जाता है कि उसको सूजन आ जाती है उसके शरीर में, और फिर उसे दीवार में उल्टा कीलों से ठोक दिया जाता है उसके पैरों को, और उसके लघु शंका के स्थान को एक तेज हथियार से काट कर उसकी लघु शंका खुशबूदार होती है, और वो पिटता है इसलिए लघु शंका उसे ज्यादा हो, वो इकट्ठी की जाती है, अब वो मिलाई जाती है सेंट में, और अब ये सेंट की खुशबू और देर तक बनी रहे तो अभी आपके वैज्ञानिकों ने खोज की भेल मछली की उल्टी, उसकी बमन, उसकी कै, वो खरीदी जाती है समुद्रों से, निकाली जाती है भेल मछली से वो उल्टी, और वो लाखों 1 करोड़ों रुपए में खरीदी जाती है वो उल्टी, और वो सेंट में मिलाई जाती है कि उसकी खुशबू जल्दी ना उड़ जाए, देर तक बनी रहे उसके लिए। यानी तुम उल्टी के भी इतने निकृष्ट हो गए कि उस मछली की उल्टी भी तुम लगाने लगे, जानवर की लघु शंका भी लगाने लगे, जो इस पर फर उसकी लघु शंका है उसमें। सुनो वे जैनी भाइयों, इस घ्राण इंद्री के गुलाम होकर के इतनी जिंदगी मत जियो,
बर्बाद हो जाओगे। इन सारे जीवों का अभिशाप तुम्हारे जीवन में मिलेगा, और जब ये अभिशाप मिलेगा तो दुनिया की कोई ताकत इसे माफ नहीं कर सकेगा, माफ नहीं करेगा। तुमने अपने शौक के लिए उनका जीवन बर्बाद करने लगे, ऐसा शौक किस काम का बंधु कि दूसरों का जीवन बर्बाद हो जाए। चक्षु, हम इन आंखों से क्या क्या देखते हैं, मोबाइल में क्या क्या देखते हैं, चश्मे क्यों लग रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में चश्मे लग रहे हैं, हमारी मानसिकता को कौन बिगाड़ रहा है। ये मोबाइल में आने वाले चित्र हमारे चित्त का हरण कर रहे हैं, हमारी मानसिकता का विनाश कर रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं उनमें कितनी गंदी चीजें, और आज अधिकतर 14-15 साल की उम्र से लेकर 25-28-30 साल तक के लोग इतनी गंदी चीजें देख रहे हैं उस मोबाइल में, और बड़े देख रहे हैं वो अलग है, मगर जिनको नहीं देखना चाहिए, पहले तो मैं उनकी बात करूं, युवा और युवतियां अपनी मानसिकता में इतनी विकार से भर जाती हैं उन चित्रों को देखकर, दिन भर उनके हाथ में मोबाइल है दिन भर, और जैसे ही उन्होंने अकेलापन पाया फट से मोबाइल चालू, कितना गंदा देख रहे हैं। जो चीज सारी दुनिया में छुप करके होती है उस मोबाइल में खुला दिखाई जा रही है, और देखने वाले उसे देख करके अपनी वासना को और विकार से युक्त कर रहे हैं। कहां गिर गए हम, कहां गिर गए। हमारे यहां नियम लिया जाता था कि जब तक मेरा पाणी ग्रहण नहीं होगा जब तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। हमारी सतियों ने लिया, बड़े बड़े सेठ साहूकार राजा महाराजाओं की बेटियों ने ऐसे नियम लेकर के अपने जीवन का यापन किया है। और आज हम होश भी, अब तो 8-10 साल की बालक बालिकाएं भी इतने गंदे गर्त में नीचे उतर गए हैं कि उनको संभालना आज की दुनिया में बहुत मुश्किल हो गया है। क्या क्या नहीं देख रहे हैं, परिवार बैठ करके देख रहे हैं गंदी चित्र, टीवी चालू हो जाती है, LCD चालू हो जाती है, और पूरा परिवार बैठ रहा है और ऐसी ऐसी दृश्य दिखाए जा रहे हैं उनको देख रहा है। वहीं छोटा बच्चा बैठा, वहीं सास बैठी, वहीं बहू बैठी, बेटा बैठे, नाती पोते बैठे, और सब गंदे चित्रों को देखकर एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। सासू अगर थोड़ी समझदार हुई तो थोड़ा सा घूंघट खींच लेती है, और बाकी तो सब एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, और उनको देख करके अपनी आंखों को तृप्त कर रहे हैं और मन में वासना पैदा कर रहे हैं। कितने गिर चुके हैं हम, कितने गिर चुका है हमारा परिवार, और उसके बाद भी हम कह रहे हैं हम जैन हैं। कैसे तुम जैन हो, पूछो अपनी इस अंतरात्मा से। आपका समय हो गया, हम विचार करें और अपने जीवन को समझाने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तभी बंधु हमारा जीवन सार्थक हो सकेगा। नहीं तो कुछ नहीं, बहुत गई वही थोड़ी थोड़ी भी अब जाए, उसके पहले कुछ जीवन में ऐसा कर जाए कि मरने के बाद भी लोग तुझे याद करें। और अपनी अभी 4 इंद्रियों की चर्चा हुई है और बहुत शॉर्ट में हुई है, वैसे एक एक इंद्री को समझाने में मुझे एक एक हफ्ता लग सकता है, मगर टाइम इज मनी। थोड़ा कहा, अधिक जानना और जीवन को परिवर्तित करने का विचार करना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी कानपुर।